हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आशीष पटोप। नई कार लेने के लिए इन कस्टमर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्होंने खरीदी है मेड इन इंडिया 5 स्टार सेफ्टी रेटेड सब कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन, जहां पे आपको काफ़ी बड़े से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग और बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये इसका सेकंड टॉप एग्जेट प्लस एस इवेंट, जहाँ पे आपको सनरूफ भी ऑफर की जाती है। प्राइस बता देता हूँ, 11,25,000 एक्स शोरूम प्राइसेस का और 13 लाख रुपए की आपको ये ऑनरोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो इस प्राइस पॉइंट पे इन कस्टमर्स को क्या कुछ फीचर्स मिले हैं इस टाटा नेक्सॉन के अंदर, आज उसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। और अभी आप देख रहे हैं इसका डार्क एडिशन, जिसमें आपको पूरी गाड़ी अंदर से बाहर तक ब्लैक देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा कलर ऑप्शन की बात की जाए तो ब्लू, ग्रे, व्हाइट, ग्रीन और रेड, बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस टाटा नेक्सॉन के अंदर। पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ आप ले सकते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। पावर फिगर्स की बात कर ली जाए तो 1.2 लीटर पेट्रोल में आपको 120 bhp और 170 nm का टॉर्क मिलता है, वही आपको 1.5 लीटर डीजल के अंदर 110 bhp और 260 nm का टॉर्क मिलता है। माइलेज की बात की जाए तो पेट्रोल में 17 से 18 और डीजल में 21 से 22 निकाल देती आराम से। बाकी आप चाहे तो पेट्रोल डीजल के अलावा इसका ईवी वर्जन भी ले सकते हैं, जहां पे आपको काफी बढ़िया से रेंज देखने को मिल जाएगी। ऐसे कुछ आपको स्मार्ट मिलती है, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प्स, बूट खोलने का बटन और पीछे आपको दी जा रही टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो, दोनों स्मार्ट की मिलेंगी बिकॉज यहां पे मिलती है आपको कीलेस एंट्री। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर में और अंदर से दिखाएंगे आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं इसके एग्जेट प्लस एस वेरिएंट के अंदर। फ्रंट से बात की जाए तो यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो देखने को मिलता है। ग्रिल की बात की जाए तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में पूरी क्लोज्ड ग्रिल आपको मिलेगी। नीचे आपको ट्राई एरो डिजाइन देखने को मिल जाएगा और कोई भी क्रोम एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। बात की जाए इसके हेडलैम्प्स की तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं डुअल फंक्शन DRS के साथ में, जो कि टर्न इंडिकेटर का काम करते हैं। बगल में आपको हेलोजन बाउल देखने को मिल जाएगा इसके हाई बीम के लिए। नीचे आपको दी जा रही फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट, सराउंडिंग्स में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। जब आप सामने बैठ के देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको मस्कुलर सा फ्रंट फीसर नजर आने वाला है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो काफी बढ़िया 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। खराब रास्तों में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। बोनट एरिया देख लीजिए, काफी बड़े से आपको कट्स एंड केजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए जा रहे हैं। अगर रूफ की बात की जाए तो वहां पे आपको सनरूफ, रूफ रेल्स और पीछे मिलता है आपको शार्क फिन एंटीना। ये तो हो गए फ्रंट प्रोफाइल की बात, अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पे आपको 16 इंच के ब्लैक फिनिश में अलॉय ऑफर किए जा रहे हैं डार्क एडिशन के अंदर। यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखेंगे आपको फेंडर पे हैशटैग डार्क की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात की जाए इसके मिरर्स की, जो आपको मिलने वाले ऑटो फोल्डेबल, लॉक अनलॉक करने पर फोल्ड एंड अनफोल्ड हो जाते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड गाड़ी के अंदर बैठ के भी आराम से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। डायमेंशन वाइज बात की जाए तो 3993 mm लेंथ है, 1811 mm इसकी विड्थ है और 1606 mm आपको मिलती है इसकी हाइट। गाड़ी के व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2498 mm का व्हील बेस दिया जा रहा है। डोर्स पे आप क्लैडिंग देख सकते हैं। आप चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ तो रियर से भी देख लीजिए, काफी बढ़िया से आपको लुक्स मिलने वाले हैं ब्लैक कलर के साथ। रियर व्हील्स में आपको ड्रम और फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती हैं। पीछे से आगे तक पूरे में क्लैडिंग आप देख सकते हैं। टेलगेट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स, स्पॉइलर, हाई मोटर शॉप लैम्प, यहाँ पे आपको डीप फॉगर, वाइपर, सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग, उसी के नीचे आपको रियर पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसके टेल लैंप्स की, जो आपको मिलने वाले LED में, एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। नीचे बंपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। इसके सराउंडिंग्स में 2 रियर पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सिल्वर फिनिश में इसकी स्किड पेट। ये तो हो गई रियर प्रोफाइल की बात। लेफ्ट हैंड की बात की जाए तो उधर आपको मिलता है फ्यूल फिलर कैप। अगर कैपेसिटी की बात करें तो 44 लीटर की आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी पेट्रोल एंड डीजल दोनों ऑप्शन के साथ में। एंड यहाँ से इसका बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आपको एक्सेस बटन दिया गया है। स्पेस की बात की जाए तो 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया सा स्पेस है। 60-40 रेशो में सीट्स इसकी फोल्ड हो जाती हैं। अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे मिलता है आपको स्पेयर व्हील, टूल किट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे मिलता है आपको बूट लैम्प। एंड टाटा की हर कार के अंदर आपको पंचर रिपेयर किट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको इमरजेंसी में बहुत काम आने वाली है। 60-40 रेशो में इसकी सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। लेदर की सीट्स आपको मिलेंगी डार्क एडिशन के अंदर। एंड इन लीवर के थ्रू आप अपनी सीट को फोल्ड कर पाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे रियर में आपको 12 का चार्जिंग आउटलेट भी दिया जा रहा है। फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू, जिसको हम आगे प्रॉपर कवर करने वाले हैं। अब चलिए इसके बूट को करते हैं बंद और चलते हैं रियर सीट्स की तरफ। रियर सीटिंग कंफर्ट चेक करते हैं, लेग रूम, हेड रूम पूरा बैठ के। तो इसके बॉडी कलर, डोर हैंडल्स, डोर पैड्स की बात की जाए तो आपको फुल ब्लैक फिनिश में मिलेगा इसके डार्क एडिशन के अंदर। यहाँ पे आपको डोर ओपनर, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, काफ़ी बढ़िया सा स्टोरेज एंड ऊपर आपको सॉफ्ट टच फिनिश भी दी जा रही है।
रियर कैबिन स्पेस की बात की जाए तो पूरा स्पेस आप देख सकते हैं, लेदर की सीट्स। पीछे मिलते हैं आपको दो हेडरेस्ट जिनको आप एडजस्ट कर पाएंगे, एडजस्टेबल है। सेंटर में आपको मिलता है आर्मरेस्ट जिसके अंदर आपको दो कप होल्डर, ऊपर आपको दी जा रही सनरूफ। अब चलते हैं फ्रंट ड्राइवर सीट की तरफ, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा, कीलेस एंट्री आपको मिलती है। डोर पैड की बात की जाए तो रियर की तरफ आपको फ्रंट में भी फुल ब्लैक फिनिश में इसका डोर पैड दिया जाता है। ऊपर आप देखेंगे डोर ओपनर, पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, बगल में आपको सॉफ्टेस्ट फिनिश, स्पीकर की प्लेसमेंट काफी बढ़िया सा, स्टोरेज और अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर। ऊपर आप देखेंगे ORVM को फोल्ड एंड एडजस्ट करने के बटन्स। फ्रंट कैबिन की बात करें तो इतना कुछ स्पेस मिलता है एंड आगे के जो दो हेडरेस्ट हैं उनको भी आप एडजस्ट कर पाएंगे, एडजस्टेबल हैं। लेदर की सीट्स, ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको लेदर की सीट्स ऑफर की जाती हैं एंड यहाँ से हाइट, यहाँ से रिक्लाइन कर पाएंगे अपनी सीट्स को। नीचे आपको फ्यूल कैप ओपनर दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको मैनुअल ABC पेडल्स, यहाँ से आप अपना बोनट ओपन कर सकते हैं। कुछ स्पेस यहाँ पे AC के वेंट्स। आप चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद ऐसा कुछ नज़र आने वाला है इसका फ्रंट डैशबोर्ड। गाड़ी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको इंजन स्टार्ट ऑपरेशन, जिसको प्रेस करते ही आपको मिलेगा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट आपको मिलता है RPM मीटर, राइट आपको दिया गया है टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, बीच में आपको MID जिसके अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। सारी चेक लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। क्रोम एलिमेंट्स देखने मिल जाएंगे। इस लीवर के थ्रू आप अपनी MID को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज रेंज, सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस वाले लीवर से आप टाइम वगैरह को सेट कर पाएंगे। ये तो गई क्लस्टर की बात। स्टीयरिंग की बात की जाए तो डीकट शेप में आपको मिलेगा फुल लेदर फिनिश के साथ में। यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया और कॉल के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको टाटा के ब्रांडिंग, इधर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इस लीवर के थ्रू आप अपने स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एंड यहाँ पे देखेंगे आपको रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स और इधर आपको मिलते हैं हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स। ये तो हो गई स्टीयरिंग की बात। अब बात करेंगे इसके सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है पावर बाय हार्मन। साउंड आउटपुट काफ़ी बढ़िया सा आपको मिलेगा। 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी एंड यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा है। टच रिस्पॉन्स भी आपको काफ़ी बढ़िया सा मिलेगा। इसी में आपको इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर दिया गया है। टॉप एंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको IRA की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है टाटा नेक्सॉन के अंदर। रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाऊं तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया सा आपको मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हैजार्ड का स्विच, AC के वेंट्स, नेक्सॉन की बैजिंग एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे आपको बूट खोलने के बटन, लॉक अनलॉक और फॉग लैंप्स के बटन देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको 12 वीकर चार्जिंग आउटलेट, बगल में आपको USB पोर्ट दिया जा रहा है एंड ये इसका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास। बगल में आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पे देखेंगे आपको ये स्लाइड करके अंदर काफ़ी बढ़िया सा स्पेस दिया गया है, जिसके अंदर आपको दो कप होल्डर्स, ये इसका आर्मरेस्ट पूरा लेदर फिनिश के साथ में, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। मैनुअल हैंडब्रेक। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया सा स्पेस मिलेगा एंड ये कूल्ड है, अपनी ड्रिंक्स को जैसा रखेंगे वैसे कूल्ड रहेंगी। दो कप होल्डर, मोबाइल होल्डर, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये था पूरा फ्रंट डैशबोर्ड टाटा नेक्सॉन का। यहाँ पे आपको मैनुअल डे नाइट IRVM, इधर आपको कोई मिरर नहीं मिलने वाला है एंड इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिल जाता है। LED लाइट्स, यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट, सनरूफ के बटन मिलेंगे आपको यहाँ पे, सेपरेट बटन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपका बजट कम है तब भी आप सनरूफ का मजा लेना चाहते हैं टाटा नेक्सॉन के अंदर तो आप जा सकते हैं इसके XM S वेरिएंट की तरफ। विजिबिलिटी की बात की है तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया से मिलेगी, अंदर बैठ के पूरा बोनट आपको विजिबल होता है। ये तो हो गए पूरे इंटीरियर की बात। आप चलिए गाड़ी को ऑफ करेंगे, बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। प्राइस मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थर्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थर्ट डिवाइस और यहाँ पे मिलता है आपको 2 एयरबैग्स। प्राइस मैंने जैसा कि आपको बताया कि एग्जेट प्लस एस वेंट है 11,25,000 एक्स शोरूम प्राइस का, 13,03,000 रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। बाकी अभी आप देख रहे हैं डार्क एडिशन को 11,55,000 एक्स शोरूम प्राइस का, 13,38,000 रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो ये थी टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट की 5-स्टार सेफ्टी रेटेड सब कॉम्पैक्ट SUV। कैसे लगे आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। तो इस वीडियो में आपने पूरा डिलीवरी एक्सपीरियंस देखा, पूरा रिव्यू देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।